अमेरिका में जब कोई बीमार आदमी से मिलने जाता है तो बोलता है गेट वेल सून। इंग्लैंड में जब कोई बीमार आदमी से मिलने जाता है तो बोलता है विशिंग यू ए स्पीडी रिकवरी। और इंडिया में जब कोई बीमार आदमी से मिलने जाता है तो बोलता है हमारे चचा भी इसी बीमारी से मरे थे, बड़ी खराब बीमारी है, भगवान किसी को ऐसी बीमारी ना दे। का हो मिक्सी, चटनिया पिस गई? हाँ चचा, चटनिया तो पिस गई। तो हाँ सबके बढ़िया हो, बटन दबाए घुर से चटनी पिस गई, बटन दबाए घुर से मसाला पिस गवा, बटन दबाए घुर से जूस निकल गवा। हमरे समय में तो बड़ी तकलीफ रही, सिलबट्टा उठाए में हाथ खींच जात रहा, चटनी पीसे में कमर टूट जात रही और सिलबट्टा वापस रखे में पाद निकल जात रहा। आलू जी मास्टर साहब, उपमा अलंकार की परिभाषा बताओ। मास्टर साहब, उपमा सूजी और ताजी सब्जियों से बनने वाला एक मस्त व्यंजन होता है। उसको जब धनिया पत्ती और मूंगफली के दानों से अलंकृत किया जाता है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले ना तो चम्मच से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत है और पिघला हुआ घी ना सीधी उंगली से निकलता है ना ही उंगली टेढ़ी करने से। आलू जी मास्टर साहब, उपमा अलंकार की परिभाषा बताओ। मास्टर साहब, उपमा सूजी और ताजी सब्जियों से बनने वाला एक मस्त व्यंजन होता है। उसको जब धनिया पत्ती और मूंगफली के दानों से अलंकृत किया जाता है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। का हो कुकुर मुत्ते, केहर जात है या? हम जात है दिल्ली। काहे? यहाँ सब हमें कुकुर मुत्ता कह के चिढ़ावत है। दिल्ली जाबे तो वहाँ सब हमें अंग्रेजी में मशरूम कहिए, मशरूम। देखा भैया, एक बात बताई, तू यूपी में रहा या दिल्ली में, खाए वाले तो के मशरूम ही कहिए और ना खाए वालों के लिए तो कुकुर मुत्ता ही रही बा। आज हम पढ़ेंगे कि एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर होता है। अगर एक चीज है तो एक वचन, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। आलू जी मास्टर साहब, बता पैजामा एक वचन है या बहुवचन? मास्टर साहब, पैजामा ऊपर से तो एक वचन होता है, नीचे बहुवचन हो जाता है। हा?